नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गाड़ियों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ट्वीट से अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी और भाजपा नेताओं की गाड़ियों को बम से उड़ाने वाले ट्वीट से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि लेडी डॉन के नाम से अकाउंट बनाकर दी गई है धमकी। साथ ही आपको बता दें कि इस ट्वीट में हापुड़ पुलिस को भी टैग किया गया है। इस ट्वीट के बारे में हापुड़ एसपी दीपक भूकर क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये एक लेडी डॉन के नाम से एक ट्विटर हैंडल है और इसके द्वारा पहले भी ट्वीट किए गए हैं जिसमें अन्य जनपदों को भी टैग किया गया था और उन जनपदों में भी इसमें जो संबंधित जो सेक्शंस हैं आईपीसी के उसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में हापुड़ पुलिस के द्वारा भी जो नगर कोतवाली है उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो साइबर टीम है वो इसमें लगी हुई है। जिसने भी ये ट्विटर अकाउंट बनाया है, जो इसको हैंडल कर रहा है, उसको जल्द ही आइडेंटिफाई करके आवश्यक विधिक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। इस ट्वीट के बाद सर्विलांस टीम छानबीन में जुट गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिस्म में जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज़ द्वारा जनहित में जारी।